गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज तो पूरे मुल्क में शायद इंटरनेट बंद है, तो लेकिन मैं अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर शाम को इंटरनेट आएगा तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो ये बेडशीट जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था उस दिन के मैं ये स्टिच कर रही हूँ, तो ये बेडशीट आज मैंने बिछाई है। फजर इसको देख के इसके फ्लावर्स के साथ प्ले कर रही है और कितनी क्यूट लग रही है। सुबह सुबह ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर है ये पिलो, अभी मैं पिलो कवर भी लगाऊंगी। मैंने ये सिलाई कर लिए थे पिलो भी और ये बेड शीट भी, तो इसके बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं जो फजर को बहुत ही पसंद आए हैं। अच्छा जी, अभी मैं खुद ही ये पिलो के कवर्स उतारूंगी क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है और ये पिलो के कवर जो है ये उतारना भी मुश्किल है। तो मैं अभी मोबाइल को रखूंगी साइड पे और फिर इन पिलो के कवर्स को करूंगी चेंज। अच्छा, मेरे ख्याल में जो एक हाउसवाइफ है उसको सब कुछ ही आना चाहिए, जैसे स्टिचिंग, तो स्टिचिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड केयरिंग ऑल्सो। तो जब ये सब कुछ आता हो तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जैसे मैंने अभी ये उस दिन ये कटिंग करके तो आधे घंटे से भी थोड़े टाइम में मैंने ये बेडशीट भी स्टिच कर ली थी। इसकी जो साइडों पे ये होती हैं कन्नियाँ होती हैं, जैसे ये होती हैं, तो इनको मैंने फोल्ड किया, फिर मैंने ये पिलोज़ जो हैं ये कटिंग करके ये पिलो स्टिच किए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि एहसास था कि सबको ही आना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके पास ये सारे स्किल हों तो आप अपने घर को जो है वो मिनटों में क्लीन कर सकते हैं, जन्नत बना सकते हैं और अच्छा खाना बनाकर सबको खुश भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक औरत के को ये सब कुछ आना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, बात आ जाती है कि चलो भी कोई बात नहीं, जिनको नहीं सिलाई आती या जिनको कुछ नहीं आता क्या उनके घर नहीं बसते? बसते सबके ही हैं, लेकिन बात यह है कि जब आपको कुछ आता हो या आप कुछ कर लेती हो या कुछ करना जानती हो तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। जब अभी आप टेलर के पास जाते हैं ये कवर लेके, वो अपने पास रख लेता, आपके पैसे भी लगते और टाइम भी कितना ज़्यादा लगा देता कि ये सिलाई करने में। जब आप सारा कुछ कर लेती हैं खुद तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, वरना तो आप किसी को भी पैसे दे के सब कुछ करवा सकती हैं। अच्छा, ये बेडशीट बहुत ही क्यूट लग रही है। और आज मैंने धोना है ये फजर का ये वाला पिलो भी, ये भी धोऊंगी और वो सारे जो आज मैंने धोने हैं पर्दे वगैरह, क्योंकि बरसात है और बरसात में मैं अब जो है वो क्लीनिंग कुछ ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि जर्म्स जो है वो ज़्यादा देर ना ठहरे। तो ये सारे पर्दे आज मैं उतारूंगी बाहर के भी रूम के भी और इनको वॉश करूंगी। अच्छा, जब पर्दे बहुत ऊंचाई पर हों तो उसको उतारने का तरीका जो मैंने खुद से ईजाद किया है वो ये है। मैंने अलग अलग इस तरह कर लिए बेडशीट चैम, ये मेरे कपड़े हैं, ये फजर के बाबा के कपड़े हैं। और यहाँ पर मेरे नेट के पर्दे तो धुल के हो गए हैं साफ, और अभी मैं इसमें मोटे पर्दे और बेडशीट्स डालूंगी। अच्छा, जैसे ही मेरे थोड़े से कपड़े धुले हैं तो मैंने देखा कि आसमान पार बादल आ गया है, बादल आ गया। और वरना मैं कपड़े यहाँ इस तार पे डालती हूँ सुखाने के लिए, लेकिन अब क्या है कि कपड़े तो मैंने सारे धो लिए हैं, कुछ कपड़े अभी भी धुल रहे हैं, लेकिन वो बादल आ गया और बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कपड़ों को यहाँ चारपाइयों पे इस तरह हैंग करके रख दिया ताकि इनमें से पानी निकल जाए। मेरी वॉशिंग मशीन की स्पिनर तो ख़राब हुई है इसलिए मैं उसमें स्पिन नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चलो इस तरह इनका पानी निकल जाएगा तो फिर मैं अंदर कमरों में या जगह जगह पर फैला दूँगी और ये सूख जाएंगे। कुछ कपड़े मैंने इस तरह वाटर कैन पर रख दिए ताकि इनका पानी निकल जाए, कुछ कपड़े अभी धुल रहे हैं और कुछ यहाँ पर हैं। अच्छा, सुबह जब मैंने मशीन लगाई थी तब तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जो है बादल आ गए हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी मशीन ना लगाती। कपड़े मेरे धुल रहे हैं और यहाँ पर नाश्ते के बहुत सारे बर्तन जो मेरा वेट कर रहे हैं, तो ये पड़े हुए अभी इनको मैं वॉश करूँगी। अच्छा, बर्तन मैंने धो के उनको इस तरह रख लिया है ताकि इनमें से पानी निकल जाए। और चिकन मैंने धो लिया, सब्जियां सारी धो ली हैं जो इसमें मैंने डालनी थी। अभी चूल्हा जलाऊंगी और मैं बनाऊंगी खाना।
और आखिर में मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि आजकल मौसम बरसात है और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े हैं, तो अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में आजकल बहुत ही ज़्यादा हैज़ा है, पेट ख़राब हो जाता है जिससे डायरिया लग जाता है और जिसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो एक दो दिन में ही ये जो डिज़ीज़ है ये इंसान को इतना लागर और कमज़ोर कर देती कि वो चल भी नहीं सकता। हमारी अपनी फैमिली में भी दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं कि रिलेटिव्स में से दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा उनको मलेरिया हो गया और हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई बर्तन यूज़ करें उनको अच्छे से आप वॉश करें, और कोई भी बर्तन वॉश किए बगैर ना यूज़ करें, फल सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से धोएं, और घर में फीमेल होते हुए आपकी ड्यूटी है कि आप अपने घर वालों की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा भी हो गया सारा काम तकरीबन ख़त्म, सफाई मैंने कर ली है, कपड़े मैंने धो लिए हैं, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं और आटा मैंने गूंद लिया है, और अभी बस मैं बनाऊंगी ये चिकन कढ़ाई, थोड़ी सी चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और इसके बाद मैं हो जाऊंगी आज फ्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बी सेफ, बी केयरफुल एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।